जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जो कि आईसीसी रैंकिंग के हवाले से नंबर वन पे ओडीआई फॉर्मेट में, नंबर वन पे टी20 फॉर्मेट में और नंबर सेवन पे जो है आईसीसी रैंकिंग के हवाले से टेस्ट टीम के अंदर नंबर सेवन पे हैं। आप सबने पहचान तो लिया होगा दोस्तों, क्योंकि थंबनेल पे भी आप सबने देखा होगा कि जसप्रीत बुमराह के बारे में ही बात हो रही है, जो कि उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग से अपना जो लोगों का और अपने फैंस का दिल जीत लिया है। जसप्रीत बुमराह के हवाले से आज हम कंप्लीट बात करेंगे और उनकी बॉलिंग पे एनालिसिस भी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को जो है आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना। अगर आप जसप्रीत बुमराह के फैन हैं तो वीडियो को दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिए और जसप्रीत बुमराह के हवाले से एक कॉमेंट आपने ज़रूर कॉमेंट बॉक्स के अंदर में करना है। दोस्तों, चैनल के ऊपर में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आप स्पोर्ट्स चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स को नोटिफिकेशन के जरिए हासिल कर सकें। तो दोस्तों, चलिए देर नहीं करते और बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग के ऊपर भी शानदार बॉलिंग की है, सेकेंड टेस्ट मैच के अंदर भी हैट्रिक जो है ले उड़े और किस हिसाब से जो बॉलिंग कर रहे हैं और उनका जो रिदम है, जो रिस्ट जो है वो उनको बॉलिंग को जो कंट्रोल करता है, क्योंकि जो रेड बॉल जो होती है वो काफ़ी मुश्किल होती है, शुरू में स्टार्ट में ही बॉल को पकड़ना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बड़े बड़े जो लेजेंड जो गुजरे हैं जिन्होंने 400 विकेट मिली है, वो उनका भी यही कहना है कि जब स्टार्ट में, जब टेस्ट मैच के अंदर में जब रेड बॉल जो हाथ में देते हैं तो बॉलिंग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जसप्रीत बुमराह के पास के हाथों में वो जादू है, वो ग्रिप है, जो वो इन स्विंग और आउट स्विंग जहाँ चाहे वहाँ टप्पा खिलाते हैं, जब चाहे वहाँ पे वो बाउंसर करते हैं और बैट्समैन को जो है खेलने में वो मजबूर करते हैं। हल्का सा बाहरी किनारा लगा और एज हो गया, आउट हो गया, ये एक बड़े एक कामयाब बॉलर की निशानी है। और भारत के पास एक ऐसा खजाना मिल गया है जसप्रीत बुमराह के नाम के ऊपर में कि भारत उनसे बहुत ही ज़्यादा जो है बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी अब आगे निकलता हुआ जा रहा है। क्योंकि टेस्ट मैच में होता क्या है, बैटिंग तो जो है हो जाती है मगर विकेट्स निकालना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है और टेस्ट मैच को जीतना, क्योंकि 20 विकेटें लेनी होती हैं और अगर आपका एक ही बॉलर 5-6 विकेटें अगर पहले ही दिन में यानी पहले ही सेशन में आपको अगर दिलवा दे तो उससे अच्छी बात और क्या होगी किसी भी टीम के लिए। विराट कोहली के हवाले से अगर बात करें तो विराट कोहली को बहुत ही तौर पर ज़हनी सुकून में रखा हुआ है। जसप्रीत बुमराह ने अपना किरदार अदा किया है और अपना हिस्सा डाला है टीम इंडिया के अंदर में। तो दोस्तों, ये थी अब तक की न्यूज़ और बुमराह से रिलेटेड तमाम अपडेट्स जो है स्पोर्ट्स चैनल पे अपलोड कर दिया करेंगे। आप सबसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आप स्पोर्ट्स चैनल की लेटेस्ट वीडियोस को हासिल कर सके। और जसप्रीत बुमराह के हवाले से आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, उनकी जो ये हैट्रिक हुई है उनको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से भी, और आपने भी कॉमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।